चंडीगढ़ हॉस्टल एमएमएस कांड के बाद कानपुर में भी अश्लील वीडियो का मामला सामने आया है। रावतपुर थाना क्षेत्र के काकादेव में बने साई निवास गर्ल्स हॉस्टल में छात्राओं ने कर्मचारी पर अश्लील वीडियो बनाने का आरोप लगाया है। हॉस्टल में काम कर रहे कर्मचारी के मोबाइल पर छात्राओं का अश्लील वीडियो पाया गया था, जिसके बाद छात्राओं ने थाने में हंगामा किया। आरोप है कि रावतपुर थाने की पुलिस मामले को दबाने में जुटी रही। लड़कियों का आरोप है कि उनके नहाते वक्त कर्मचारी रोशनदान के जरिए वीडियो बनाता था। पुलिस ने हॉस्टल कर्मचारी को गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी के मोबाइल को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। हम काकादेव में रहते हैं, साई निवास गर्ल्स हॉस्टल में। तो वहाँ पे आज जब सुबह जो सफाई करने वाला आया था, तो सुबह एक लड़की नहा रही थी, तो उसने चेक किया कि वो शूट कर रहा था उसकी वीडियो। तो उसके बाद जब उस ये सब शोर वगैरह हुआ, तो पता चल मतलब कि उसको पुलिस वगैरह के पास फ़ोन किया हम लोगों ने 1090 पे। तो उसके बाद फ़ोन चेक हुआ, तो उसमें पता चलता कि उसकी काफ़ी सारी वीडियोस हैं कि जो उसने शूट की रखी थी हम लोग की। उसमें पता नहीं कितनी, लेकिन काफ़ी सारी थी। स्क्रॉल करते काफ़ी सारी उसने डिलीट भी कर दी थी। और जो वो थे, जो ऑनर वगैरह थे वहाँ के वार्डन, वो वहाँ के सपोर्ट कर रही थी उसको कि हम इतने टाइम से कर रहा है काम, हमको विश्वास ही ऐसा नहीं करेगा। सारी अलग अलग जगहों की हैं। हाँ, उसके मोबाइल में एक्चुअली वीडियोस थे, जो वो मोबाइल अब पुलिस वालों ने ले लिया हम लोगों से। तो अभी आप लोग शिकायत करने आए हैं? हाँ, शिकायत करने आए, क्योंकि हमको नहीं पता वो कौन कौन सी वीडियो, किस किस की वीडियोज है। तो ऐसे इस वजह से करीब 7 सालों से काम कर रहा था वहाँ। वो पुलिस को शिकायत तत्काल कार्रवाई करते हुए उसके कर्मचारी, जो अपने कर्मचारी पर आरोप लगाया था, उसको हिरासत में लिया गया है। साथ ही साथ अभियोग पंजीकृत किया गया है। उसके जो कर्मचारी है, उसका मोबाइल हम लोग सीज कर रहे हैं और मोबाइल की फॉरेंसिक और सर्विलांस जांच हेतु हम लोग उसको भेज रहे हैं। और जो भी तथ्य उसमें आगे प्रकाश में आएंगे, उस पे हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे। अभी शिकायत जैसे अभी तक जो प्रारंभिक शिकायत थी कि कुछ लोगों का इसने वीडियो बनाया है, तो वो भी हम लोग इसीलिए उसकी फॉरेंसिक और सर्विलांस जांच करा के जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे, उसके आधार पे हम लोग कार्रवाई करेंगे। कितनी लड़कियां आई थी शिकायत करने यहाँ पे? अभी तो जो भी एक तो मूल लड़की थी जो नीट की तैयारी कर रही थी, सबसे पहले उसी ने शिकायत किया, फिर उसके साथ में 10-12 लोग आई थी। तो हम लोग जो भी तथ्य आ रहे हैं, जितनी भी चीजें आ रही हैं, जो और कोई कर्मचारी या कोई अन्य उसमें कोई है, तो उसके विरुद्ध जो भी होगा नियमानुसार हम लोग कार्रवाई। कर्मचारी की क्या डिटेल है, कब से काम कर रहा था? ये अभी तक जो हमारे पास आया है, करीब 8 साल से काम कर रहा था वहाँ पे। तो और चीजें हैं, चूंकि भी विवेचना के दौरान जो भी और तथ्य आएंगे या कोई और लोग व्यक्ति आ रहा है, जो भी आ रहा है, तो उसके विरुद्ध हम लोग। पकड़ा कैसे लड़कियों ने मामला, ये कैसे पहुंचा, पता चला कि वीडियो बना? अभी जैसे आपको पहले ही बताया कि नीट की छात्रा अभी आई थी, तो उसको अभी एहसास हुआ कि ये हमारा वीडियो बना रहा है। तो चूंकि बना रहा है, तो इसी आधार पे पुलिस को सूचना थी, पुलिस तत्काल उसको हिरासत में लेके आई। किसी दूसरी छात्रा ने बताया था कि उस छात्रा का वीडियो बना? ये अभी तो ज्यादा भी विवेचना के दौरान जो भी तथ्य आएंगे, अभी तो प्रारंभिक तौर पे है, हिरासत में। कर्मचारी का नाम क्या है? कर्मचारी का नाम क्या है? कर्मचारी का नाम है अभी ऋषि नाम है उसका, ऋषि नाम है, यही सर्वोदय नगर का रहने वाला है। तो आगे जो भी तथ्य और प्रकाश आएंगे हम लोग कार्रवाई। सूरज कश्यप की रिपोर्ट। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल RTI News 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।